हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे शर्मा निटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा देखिए डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे किसी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पास से दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बुनता है और क्योंकि एक ही सिलाई में डिजाइन है, बाकी तो प्लेन प्लेन सिलाइयाँ बनानी है, इसलिए जल्दी बुनाई होती है इसकी। ये इसमें 7 के मल्टीपल फंदे पड़ेंगे, यानी कि 7 के मल्टीपल। 5 फंदे इस डिजाइन के हैं, 2 फंदे उल्टे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली सिलाई। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। शुरू करते हैं, अब पहली लाइन शुरू करते हैं। और वैसे मैंने 2 डिजाइन बना के रखे हैं, 1 और 2, लेकिन अब पहली शुरू करते हैं डिजाइन, पहली सिलाई में। ये देखिए, सबसे पहला फंदा आप बुने उतारें, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। दूसरा फंदा, 2 फंदे उल्टे, 1 और 2, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे ले जानी है, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फंदे सीधे हो गए, ऊन आगे लानी, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 5 फंदे सीधे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था 7 फंदों में डिजाइन कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए, 2 डिजाइन अब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, पहला फंदा गिनती में नहीं है, उसके बाद 1, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन हो गया। फिर इसी रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। इसी तरह से हमें ये पहली लाइन कंप्लीट करनी है, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 1, 2, फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, लास्ट का फंदा है। चाहे आप इसे सीधा बुने, चाहे उल्टा बुने, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बुने। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब आई दूसरी लाइन और उल्टी साइड। उल्टी साइड में क्या करना है, इधर से देखिए, पहले जो हमने यहाँ 5 फंदे सीधे बुने हैं वो तो उल्टी साइड में उल्टे बुने जाएंगे, और जो 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं सीधे साइड से, वो इधर सीधे बुने। पहले 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हमें दूसरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, 2 लाइनें कंप्लीट हो गई, 1 सीधी 1 उल्टी। अब आई तीसरी लाइन। तीसरी लाइन भी फिर वही करनी है, सीधी साइड है, तीसरी लाइन है, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे ले जाके, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, ये तीसरी लाइन है। फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए, 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई आ गई और चौथी सिलाई, ये चौथी सिलाई है और उल्टी है। 2 फंदे उल्टे, जो फंदा आपको जैसा दिखेगा वैसा बुनना है, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, क्योंकि चौथी सिलाई है तो इसमें आप फंदे दिखने लगे होंगे पीछे से कि कैसे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे, सॉरी, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, चौथी सिलाई है, उल्टी साइड है। ये देखिए, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, ऐसे ही हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब पांचवी शुरू करते हैं। पांचवी वाली में डिजाइन बनेगा। पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 1, 2, 2 फंदे उल्टे बुन लिए, ऊन पीछे ले जाएंगे, 1 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, हो गया। फिर इसमें एक जाली बनाने के लिए ऐसे फंदा लपेटेंगे, ठीक। फिर अब ये बचे 4 फंदे, हमने 5 फंदे उल्टे किए थे ना, 4 बचे हैं, 4 में से हम दूसरा, ये पहला फंदा था यहाँ छोड़ देंगे, और दूसरे तीसरे फंदे को बुनेंगे, वो भी पीछे से ऐसे। देखिए, पहले हम दूसरे नंबर वाला फंदा बुनेंगे ऐसे, लेकिन इसे निकालेंगे नहीं, ऐसे ही फंसा रहने देंगे, और फिर तीसरा वाला फंदा बुनेंगे ऐसे, पीछे की साइड से बुनना है, ये देखिए, और सीधा बुनना है, हो गए।
अब हम तीन फंदों को निकाल के पहला फंदा हम फिर से इसी वाली नीडल पे ऐसे उठा लेंगे और पहले फंदे को ये लास्ट वाले चौथे फंदे के साथ सीधा बुनना है। दोनों फंदों को मिला के एक कर देना ऐसे पीछे और सीधा, ये देखिए। फिर ऊन आगे लानी है और दो फंदे उल्टे बुनने हैं। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, बहुत धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। पहला फंदा सीधा बुन लिया, एक बार ऊन ऐसे लपेट ली जाली बनाने के लिए, क्योंकि ऊन लपेट दी तो हमारा एक फंदा बढ़ गया है, जाली बन गई उससे। और पहला फंदा तो अब हम इन्हें छोड़ देंगे, अभी चार बचे हैं ना, चार में से पहला फंदा हम छोड़ देंगे, दूसरे को बुनेंगे फिर तीसरे को बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे पीछे की साइड से, ऐसे करके पीछे की साइड से। ये देखिए बुन लिया एक फंदा और फिर लास्ट दूसरा फंदा भी हम ऐसे ही दो फंदे बुन गए। अब इसे धीरे से ऐसे निकाल के पहला फंदा जो हमने बुना नहीं था उसे हम फिर इसे सेव कर लेंगे इस वाली नीडल में और दो का एक कर देंगे। ये देखिए अभी फिर से एक बार दिखाते हैं बहुत धीरे धीरे करके ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा फिर गौर से देखना, यही सिलाई मेन है बस इसमें, बाकी तो सब सीधी उल्टी हैं। पहला फंदा हम बुनेंगे, पांच फंदे जो हमारे सीधे थे उसमें से हमने पहला बुन लिया, एक बार हमने ऐसे लपेट दिया इस पर, हो गया। अब हम दूसरा फंदा नहीं बुनेंगे, पहले तीसरा बुनेंगे फिर चौथा बुनेंगे, वो भी पीछे से बुनेंगे ऐसे ऐसे करके लूज़ करके थोड़ा सा। अब पीछे की साइड से पहले दूसरा फंदा बुनेंगे फिर ये बुनेंगे, लास्ट वाला तीसरा बुनेंगे ऐसे। अब ये तीनों फंदों को हम एक साथ निकालेंगे, लेकिन पहला फंदा जो हमने सेव किया था, जो बुना नहीं था, उसे हम उल्टे हाथ वाली सिलाई में सेव करेंगे, ऐसे उठा लेंगे। और एक इस फंदे को और एक ये पीछे वाला फंदा है, दोनों को मिला के हम एक फंदा सीधा बना देंगे। ये देखिए हो गया, पाँच के पाँच ही फंदे हो गए, क्योंकि हमने एक ये जाली से बढ़ा दिया यहाँ फंदा, और पाँच के पाँच हो गए, दो फंदे उल्टे। बस एक ही सिलाई में डिजाइन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला फंदा बुन लीजिए सीधा, एक बार लपेट लीजिए, गौर से देखना, और पहला फंदा ये वाला छोड़ देना है हमें, और इसके बाद वाला दूसरे फंदे को पहले हम बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को बुनेंगे सीधा, फिर ये एक साथ निकाल देंगे, पहला फंदा हम सेव कर लेंगे ऐसे। देखिए हो गया, अब इन दोनों को मिला के अभी एक फंदा सीधा बचा है, इसके साथ में ऐसे ऐसे कर देना। ये पांचवी सिलाई में बनके तैयार हो रहा है, पांचवी सिलाई थी ये और सीधी साइड थी, पांच सिलाइयाँ बनके कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई सेम वैसी है जैसे हमने अभी तक उल्टी सब सिलाइयाँ बनाई हैं, सेम वैसे ही बनेगी। जो फंदा आपको जैसा दिखे वैसा ही बुने, जैसे दो फंदे सीधे और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन, ये देखिए जाली वाला फंदा हो गया, चार और एक पांच हो गए, फिर दो फंदे सीधे। इसी तरह से हमें छठी लाइन भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए पांचवी सिलाई और उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई, छठी सिलाई और उल्टी सिलाई, छह सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाता है बनके डिजाइन। देखिए कितना प्यारा डिजाइन लगता है, आप इसी को ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहेंगे छह सिलाई, तो ये बनने के बाद इतना प्यारा डिजाइन आएगा। इसे आप किसी भी कलर में किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर से पहली लाइन से ही शुरू करना है, कैसा है पहली लाइन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ। ये देखिए दो फंदे उल्टे पाँच फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे, फिर एक दो फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे, एक दो तीन, ये देखिए एक दो तीन चार और पांच। इसी तरह से आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे, इस तरह से आप बार बार रिपीट करेंगे, ये बहुत प्यारा डिजाइन बनके तैयार होगा, बहुत अच्छा डिजाइन बनके तैयार होगा। आप जैसे चाहें वैसे जिसमें ये अप्लाई करना चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसे हर प्रोजेक्ट में अच्छा लगेगा, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, जैसे आप चाहें। और ये जो बीच का गैप है ना दो फंदों का, इसको आप चार फंदों का भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे इस गैप को बना सकते हैं। लेकिन ये जो बीच का पाँच फंदों वाला, ये तो पाँच में ही रहना है, इसे आप कम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बीच में दो फंदे हमने जो उल्टे किए हैं, इसे इस गैप को आप कम या बढ़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा आप ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा
और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।